Hello and welcome, dear students. I am your English teacher Prakriti Kapoor, and I am here with the second chapter of class A, The Star. As many of you requested for this chapter, so I am here with this chapter. So first of all, I want to request that you should share the video with all your friends. You have to share the video so that everyone should get this video, okay? So without any further delay, let's get started. The name of the chapter is The Star. तो स्टार का मतलब हम सबको पता है, तो हम सब जानते हैं कि स्टार क्या होता है, जिसे हम सितारा बोल सकते हैं, है ना? लेकिन ये वो वाला सितारा नहीं है जो आसमान में आपको रात में नजर आता है. ये वो वाला सितारा है जो बहुत सक्सेसफुल लोगों को कहा जाता है. कई बार कहते हैं ना फिल्म स्टार्स, कहते हैं ना फिल्म स्टार्स, यानी फिल्मी दुनिया के स्टार्स हैं वो सब. तो जो बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने लाइफ में, उन्हें ही स्टार कहा जाता है. तो ये भी एक स्टोरी है एक स्टार की. तो एक ऐसा स्टार जिसके पीछे जो है कुछ ऐसी घटनाएं घटी होंगी, तो उसी से रिलेटेड एक स्टोरी है. और जब भी कोई बहुत सक्सेसफुल हो जाता है तो लोग उससे एक बहुत आम सवाल करते हैं और पूछते हैं कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे, कौन सी वो चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया, और कौन सा वो ऐसा मोमेंट था कि आपको लगा कि हाँ अब मैं ये कर सकता हूँ, अब मुझे कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए, अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम ऊपर क्या लिखा हुआ है पढ़ लेते हैं. कैन अ शाय लोनली चाइल्ड ग्रो अप टू बिकम अ स्टार परफॉर्मर. क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एक बच्चा जो कि बहुत लोनली, शाय मतलब होता है जिसको बहुत, जो बहुत शर्माता है ना, एक होता है बहुत एक्स्ट्रोवर्ट बच्चा होता है जो सबके साथ घुल मिल जाता है, और एक होता है शाय जो शर्माता है. तो क्या कोई शाय और लोनली यानी बहुत अकेले रहने वाला, क्या कोई ऐसा बच्चा कोई स्टार परफॉर्मर बन सकता है बाद में, बहुत बड़ा स्टार बन जाए, बहुत लोगों को फेस करे, क्या ऐसा हो सकता है, ये पॉसिबल है? तो आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके बताइएगा. ठीक है, अगर आप शाय हैं, आप इंट्रोवर्ट हैं कि एक्स्ट्रोवर्ट हैं, और ये बताइएगा, और ये बताइएगा कि क्या ऐसा हो सकता है कि कोई बहुत शाय और लोनली बच्चा है और वो बाद में बहुत बड़ा स्टार परफॉर्मर बन जाए, क्या ये पॉसिबल है? तो हम ये स्टोरी देखते हैं क्या लिखा हुआ है. देयर इज अ क्वेश्चन दैट यू आस्क द फेमस व्हेन दे आर ऑब्वियसली ऑन द वे टू टॉप एंड सो आस्क्ड इट. तो जनरली क्या होता है, देयर इज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है दैट यू आस्क द फेमस व्हेन दे ऑब्वियसली ऑन देयर वे टू द टॉप सो आई आस्क. तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जो किसी बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति से एक सवाल कर रहा है. ठीक है, कोई भी इंसान किसी सक्सेसफुल इंसान से आम तौर पर क्या सवाल करता है, जो सवाल करता है वही सवाल ये व्यक्ति भी इस सक्सेसफुल स्टार से कर रहा है. क्या सवाल पूछ रहा है ये व्यक्ति? हाउ वुड यू गेट स्टार्टेड, आई सेड हु और व्हाट प्रोवाइडेड द नेसेसरी पुश. तो क्या पूछता है ये व्यक्ति उससे, पूछता है कि हाउ वुड यू गेट स्टार्टेड, तुम आप कैसे, हाउ डिड यू गेट स्टार्टेड कह सकते हो, आप कैसे आपने शुरुआत की थी, किस तरीके से आपने अपनी इस जर्नी को शुरू किया था, ये पूछ रहा है. हु और व्हाट प्रोवाइडेड द नेसेसरी पुश, कौन था या क्या था जिसने आपको एक नेसेसरी पुश, या कह सकते हैं स्टार्ट करने के लिए प्रोत्साहन, इनकरेजमेंट. तो यहाँ पर जो पुश है इसका मीनिंग नीचे दिया हुआ है वर्ड मीनिंग्स के विदिन, तो आप उसको जो है एक बार विजिट कर लीजिएगा. तो क्या पूछ रहा है कि आपको किसने और क्या ऐसी चीज थी जिसने आपको एक नेसेसरी पुश दिया कि आप यहाँ तक पहुँच सके. तो ये जो व्यक्ति है एक रिपोर्टर है. ठीक है, रिपोर्टर्स जनरली स्टार से क्वेश्चन पूछा करते हैं. तो ये रिपोर्टर है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक लड़की से. ये बात हमें यहाँ पर क्लियर हो जाती है जब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है शी गेव मी क्विजिकल लुक. तो यहाँ पर शी आया ना, तो उससे समझ में आ गया कि कोई लड़की होगी. तो शी गेव मी अ क्विजिकल, क्विजिकल मतलब क्विजिकल का बेसिकली मतलब होता है अजीब सा कह सकते हो, थोड़ा कंफ्यूज कह सकते हो, या कह सकते हो कि एक स्माइलिंग, हंसाने वाला या हंसी वाला एक लुक देना. तो वो जो लड़की है जिससे सवाल पूछा गया है वो एक अच्छा सा, अजीब सा, एक स्माइलिंग सा लुक देती है. शी वॉजंट रियली प्रिटी, वो लड़की सुंदर नहीं है, बट शी हैड अ मेरी सॉर्ट ऑफ फेस. वो लड़की सुंदर नहीं है पर उसका चेहरा बहुत खुश मिजाज चेहरा है. मेरी का मतलब ही होता है हैप्पी, तो एक हैप्पी फेस वाली लड़की है. हालांकि ब्यूटिफुल नहीं है, प्रिटी नहीं है, पर एक हसमुख और स्माइलिंग फेस है. ठीक है, दैट शी सेड इज अ स्टॉक क्वेश्चन.
तो वो क्या कहती है कि ये जो सवाल है ना, ये एक स्टॉक क्वेश्चन है। स्टॉक मतलब क्या होता है, कहते हैं ना स्टॉक में पड़ा है मेरे पास, या कह सकते हैं बहुत भंडार में पड़ा हुआ है। तो कहती है ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो जनरली लोगों के स्टॉक में ही पड़ा रहता है। वो मुझसे हमेशा ये सवाल पूछ लेते हैं क्योंकि शायद ये उनको सबसे आसान सवाल लगता होगा मुझसे पूछने के लिए। तो इस लड़की से ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो इस रिपोर्टर ने भी इस लड़की से वही सवाल पूछा है। बट नेवर माइंड, आई कैन गिव यू आंसर। तो कहता है, कहती क्या है कि कोई बात नहीं, नेवर माइंड, आई डोंट माइंड, मैं आपको इस सवाल का जवाब जरूर दूंगी। वेल, हैव टू गो बैक अबाउट 15 ईयर्स दो। तो कहती है लेकिन इसके लिए हमें 15 साल पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 15 साल पहले की ये कहानी है कि मुझे किस चीज ने मोटिवेट किया था। ठीक है, तो ये जो रिपोर्टर है क्या कहता है, दैट्स ऑल राइट, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, डू वी हैव टाइम, क्या हमारे पास इतना समय है कि आप मुझे वो बात बता पाए। तो एंड एज वी स्टूड देयर इन द चिली डैम्पनेस, दिस इज वॉट शी टोल्ड मी। तो वहां पर चिली डैम्पनेस मतलब, चिली मतलब होता है ना, कहते हैं बहुत चिल्ड है, बहुत सर्दियां हैं, और डैम्पनेस का मतलब होता है थोड़ी सी, थोड़ा सा गीलापन, वेटनेस। तो ये लोग जहां पर खड़े हैं वो जगह बहुत ठंडी और गीली गीली है। क्यों है ये आपको अभी पता चल जाएगा जब धीरे धीरे हम स्टोरी में आगे मूव करेंगे। ठीक है, तो एक ठंडी और हल्की सी गीली पानी वाली इस टाइप की जगह है वो, जहां पर ये लोग खड़े हुए हैं और वहां पर ये लोग बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये रिपोर्टर और वो लड़की। अब वो लड़की अपने बारे में क्या बता रही है, इन दोज डेज, उन दिनों की बात है, शी लिव्ड इन ट्वाइलाइट लैंड बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। तो वो कहती है कि उस समय की बात है, ट्वाइलाइट का मतलब होता है शाम का समय, जब शाम भी हो गई है पर अंधेरा नहीं हुआ है। तो बोलती है एक मेरी जिंदगी का एक ऐसा दौर था, वो ट्वाइलाइट उसको इसलिए कह रही है क्योंकि वो जिंदगी का एक ऐसा दौर था जब वो थोड़ा सा बचपने में भी थी और थोड़ी सी एडल्ट भी हो गई थी, यानी कि एक ऐसी एज में थी जब वो बच्ची भी नहीं थी और एडल्ट भी नहीं थी, उसके बीच के टाइम में की बात है। एंड शी डिडेंट लाइक इट मच, शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, शी वॉज ऑकवर्ड एज अ न्यू बॉर्न गर्ल। तो वो अपने बारे में बता रही है कि वो लड़की थी, वो लड़की थी, वो इस तरीके से बोल रही है, लेकिन वो जिक्र अपना ही कर रही है। क्या कह रही है कि ये बात उस समय की है, उन दिनों की है, जब एक लड़की थी जो कि ना बचपन का दौर था जिसका, ना ही एडल्ट का, वो एक मिडिल एज में थी। ठीक है, एंड शी डिडेंट लाइक इट मच, और उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी वो एज, शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, वो कितने साल की थी, वो 8 सालों की थी। शी वॉज ऑकवर्ड, वो अजीब थी, एज अ न्यू बॉर्न कॉल्ट, तो कॉल्ट मतलब होता है घोड़े का बच्चा, तो घोड़े के बच्चे के साथ में कंपेयर कर रही है कि नए घोड़े के बच्चा जैसा, नहीं थोड़ा ऑकवर्ड सा फील कर रहा होता है, वैसे ही वो ऑकवर्ड फील करती रहती थी। एंड वेन शी लुक्ड इन द मिरर, विच वॉज सेल्डम एज पॉसिबल, तो वो कहती है और जब भी वो अपने आप को शीशे में देखती थी, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, तो सेल्डम का मतलब क्या होता है, सेल्डम का मतलब होता है कभी कभी, तो आप उसको वहीं पर लिख लीजिएगा, जो वर्ड्स आपको डिफिकल्ट लग रहे हैं उसको वहीं पर लिख लीजिए, कभी कभी, कभी कभी जो होता था, बहुत कभी ऐसा होता था कि वो अपने आप को शीशे में देख पाती थी, लेकिन जब भी वो अपने आप को शीशे में देखती थी, ऑल शी कुड सी वॉज अ पेयर ऑफ इनॉर्मस आईज। तो उसे क्या दिखता था अपने चेहरे में, बड़ी बड़ी दो आंखें, इनॉर्मस मतलब होता है बहुत बड़ी, तो बड़ी बड़ी दो आंखें, अ लॉट ऑफ बैंड्स ऑन हर टीथ, और उसके अजीब से दांत, तो उसको यही चीज नजर आती थी। ठीक है, शी वॉज शाई, वो थोड़ी सी शर्माती थी, शी वॉज लोनली, वो अकेली थी, शी वॉज कन्विंस्ड दैट शी वॉज हीडियस, और वो इस बात को मानती भी थी। तो यहाँ पर हमने बात करी है हीडियस की, तो मैंने आपको हीडियस का मतलब बताया, हीडियस का मतलब क्या होता है, हीडियस का मतलब होता है अगली, अगली यानी कि बदसूरत, तो UGLY, अगले। ठीक है, तो ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बहुत मतलब बदसूरत। तो शी वॉज कन्विंस्ड, वो इस बात से कन्विंस्ड थी, इस बात से सहमत थी कि शी वॉज हीडियस, कि वो बदसूरत है। हर नेम वॉज मार्गरेट, तो उसका नाम क्या था, उसका नाम था मार्गरेट, बट एवरी वन कॉल्ड हर मैगी, पर हर कोई उसको मैगी बुलाता था। ठीक है, तो ये लड़की जो स्टार है ये एक स्टोरी सुना रही है उस रिपोर्टर को। ठीक है, और ये जो स्टोरी सुना रही है, होपफुली शायद ये अपने ही बारे में बता रही हो, क्योंकि उस रिपोर्टर ने इसे सवाल क्या पूछा था, सवाल इससे पूछा था कि आप यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किसने कन्विंस किया था, या कि किस तरह से आपको स्टार्ट मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। टू मेक मैटर वर्स, शी हैड अ सिस्टर नेम्ड सिबिल। तो क्या कह रही है वो, कि ऐसे ही वो अपने आप से इतना परेशान थी कि मैं इतनी बदसूरत हूँ,
चेहरे पे मेरे सिर्फ दांत और आंखें हैं और अजीब हूँ, है ना, शाय भी हूँ, ये सारी चीजें हैं। साथ में एक चीज थी जो इस माहौल को और वर्स यानी बहुत बुरा बनाती थी, वर्स मतलब होता है बैड, इस माहौल को बहुत बुरा बनाने वाली एक चीज और थी, दैट शी हैड अ सिस्टर नेम्ड सिबिल, कि उसकी एक बहन थी जिसका नाम था सिबिल। ठीक है, तो ये मार्गरेट है और मार्गरेट की एक बहन है, उसका नाम है सिबिल, हु सीम टू बी एवरीथिंग शी वॉज नॉट। जो सिस्टर होना बुरी बात नहीं थी, बुरी बात ये थी कि उसके सिस्टर में वो हर खूबी थी जो मार्गरेट में नहीं थी, है ना। सिबिल हु सीम टू बी एवरीथिंग शी वॉज नॉट, तो सिबिल वो सब कुछ थी जो मार्गरेट नहीं थी, यानी मार्गरेट अच्छी नहीं दिखती थी तो सिबिल अच्छी दिखती थी, मार्गरेट जो थी शाय थी तो वो एक्सट्रोवर्ट थी, मार्गरेट में जो जो कमियां थी वो सारी की सारी अच्छाइयां, उसके ऑपोजिट वाली अच्छाइयां जो थी वो सिबिल में थी। सिबिल वॉज 16, सिबिल कितने साल की है, 16 साल की है, जबकि मार्गरेट की स्टोरी जो सुना रहे हैं हम, ये कितने साल की थी, 8 साल की, तो ये सिबिल इसकी बड़ी बहन है। ठीक है, ब्लॉन्ड एंड कनिंगली स्ट्रीमलाइन, तो ये जो है सिबिल की तारीफ की जा रही है, ब्लॉन्ड कह सकते हैं फेयर, ब्लॉन्ड जो वर्ड है फेयर के लिए यूज होता है, मतलब कोई गोरा होता है तो उसके लिए यूज कर सकते हो, और ब्लॉन्ड हेयर जैसे किसी के गोल्डन गोल्डन बाल होते हैं ना, तो उसके लिए यूज किया जाता है। तो बता रहे हैं कि वो कितनी चालाक है और कितनी इफेक्टिव, उसका उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत इफेक्टिव, मतलब लोगों को इम्प्रेसिव, इम्प्रेस कर लेने वाला उसका व्यक्तित्व है सिबिल का, और फेयर है, उसके बाल भी सुंदर हैं, तो वो बहुत अच्छी और सुंदर लड़की है, जबकि इसकी बहन जो है एकदम इसकी ऑपोजिट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। शी हैड डिसाइडेड ओपिनियन ऑन दिस पर्टिकुलर विंटरी आफ्टरनून, तो एक दिन की बात है, एक दोपहर, आफ्टरनून यानी दोपहर की बात है, वो भी दोपहर विंटरी है, विंटरी यानी कि विंटर्स का दोपहर है ये, तो विंटर के सर्दियों के एक दोपहर की बात है। शी हैड डिसाइडेड ओपिनियंस, उसके मन में कुछ डिसीजन उसने ले रखा है, उसका कुछ पॉइंट ऑफ व्यू है, कुछ ओपिनियन है। शी वॉज वॉइसिंग वन ऑफ देम लाउडली, तो जो जो उसने सोचा है उसको वो जोर से वॉइस मतलब अपनी आवाज में बता रही है, किसको बता रही है, अपनी मम्मी को। क्या कह रही है, ओ मदर, अपनी मम्मी को बुला के कह रही है, ओ मदर शी वेल्ड, और वेल्ड वेल्ड का मतलब क्या होता है, चिल्लाना, तो कैसे बता रही है, चिल्ला के बता रही है, तो मैं इधर लिख देती हूँ कि चिल्ला के बता रही है अपनी मम्मी को, या कह रही है ओ मदर, चिल्ला के बोलती है, डू वी हैव टू टेक मैगी, शी इज द ओनली चाइल्ड, वो कहती है क्या मुझ क्या हम लोगों को मैगी को भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा, वो तो अभी बच्ची है, एंड शी कांट इवन स्केट, और वो स्केटिंग भी कर नहीं सकती। क्या कहती है, कहती है कि मम्मी क्या हमें मैगी को भी अपने साथ ले जाना पड़ेगा क्या, यानी कि ये जो सिबिल है, जो लड़की सिबिल आपको दिख रही है बगल में, इसका कहीं जाने का प्लान है, और ये अपनी मम्मी से क्या पूछ रही है कि क्या हमें अपने साथ मैगी को भी ले जाना पड़ेगा, देखो पीछे ये मैगी खड़ी हुई है, तो क्या कहती है कि हमें अपने साथ मैगी को भी ले जाना पड़ेगा, शी इज ओनली चाइल्ड, वो जो है बच्ची है, एंड शी कांट इवन स्केट, और वो स्केटिंग भी करना जानती नहीं। द बैंक्रॉफ्ट आस्क्ड हर डियर, तो बैंक्रॉफ्ट किसी का नाम है ना, दियर मदर सेड, तो इनकी जो मैगी और सिबिल की जो मम्मी है वो क्या कहती है कि बैंक्रॉफ्ट ने मैगी को भी पूछा है, मैगी को भी बुलाया है, ठीक है, तो उसका जाना जरूरी है। इट वोंट डू यू एनी हार्म टू हैव हर अलोंग अलोंग, तो क्या कहती है मम्मी, मम्मी कहती है वो तुम्हें कोई नुकसान थोड़ी पहुंचाएगी, ना ही तुम्हें परेशान करेगी, तुम उसे अपने साथ ले जाओ, बैंक्रॉफ्ट ने उसको बुलाया है तो उसको ले जाना पड़ेगा। लेकिन सिबिल जो है उसको ले नहीं जाना चाहती, तो सिबिल क्या कहती है, आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सिबिल ब्रश्ड बैक हर हनी कलर्ड हेयर, उसकी गोल्डन बाल हैं, उसको जो है कंघी करके पीछे करती है और कहती है, बट लैरी इज टेकिंग मी, क्या कहती है, इसका जो इनका इसका सिबिल का एक फ्रेंड है लैरी, है ना, उन्हीं के साथ ये लोग जा रहे हैं, ठीक है, स्केटिंग करने, तो क्या कहती है, बट लैरी इज टेकिंग मी, इट्स ऑल अरेंज्ड ही, तो क्या कहती है अपनी मम्मी से कि मम्मी लैरी मुझे लेके जा रहा है और हमने सब कुछ प्लान कर लिया है, और वो इतना ही बोलती है कि उसकी मम्मी जो है उसको एक ऐसा लुक देती है जिस लुक से ही समझ में आता है कि उसकी मम्मी का डिसीजन अब फाइनल है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते और उसको मैगी को अपने साथ लेकर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे क्या है, ही कैन टेक यू बोथ, मम्मी एक उसको लुक देती है और कहती है लैरी तुम दोनों को ले जाएगा, दियर मदर सेड इन द टोन दैट सिबिल रिकॉग्नाइज एज फाइनल, उसकी मम्मी इस तरह से इस टोन में इस आवाज में बात बोलती है कि सिबिल को ये बात समझ में आ जाती है कि अब ये फाइनल डिसीजन है मम्मी का, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। हेवेंस इट्स ओनली एन आफ्टरनून स्केटिंग पार्टी, तो वो जो है कहती है हे भगवान,
सिविल क्या बोलती है, हे भगवान ये एक आफ्टरनून की पार्टी है उसमें भी जो है मुझे इसको ले जाना पड़ रहा है, मतलब ले नहीं जाना चाहती, चिड़चिड़ा रही है, गुस्सा रही है, और उसकी मम्मी ने डिसीजन कर दिया है कि उसको अपने साथ लेकर जाओ। ठीक है, सिविल गेव हर सिस्टर अ बेलफुल ग्लांस। बेलफुल का मतलब होता है थ्रीटनिंग, बहुत बुरा सा, है ना, कि अरे यार कहाँ मुसीबत पड़ गई, है ना। इस तरीके से सिविल जो है अपनी बहन को एक लुक देती है। बेलफुल ग्लांस मतलब होता है देखना, और बेलफुल मतलब होता है थ्रेटनिंग, यानी बहुत बेकार तरीके से कि क्या मुसीबत है, इस तरीके से अपनी बहन को देखती है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, यू नीडेंट वरी सेड मैगी। अब मैगी जो है समझ रही है ये बात कि वो मुझे ले नहीं जाना चाहती, मम्मी जबरदस्ती मुझे जो है उसके साथ ढकेल के भेज रही है, तो वो क्या कहती है कि यू नीडेंट वरी, तुम चिंता मत करो, सेड मैगी। मैगी कहती है इन स्मॉल वॉइस, हल्की सी पतली सी दबी हुई आवाज में कहती है, यू नीडेंट वरी, तुम चिंता मत करो, आई सिट इन द बैक सीट एंड बैक सीट एंड नॉट से अ वर्ड। कहती है मैं पीछे बैठूंगी और एक भी शब्द नहीं बोलूंगी, चुपचाप जाऊंगी और चुपचाप चली आऊंगी, तुम परेशान मत हो। अब वो क्या कहती है, जो सिबल है कहती है, ही केम एट 3 o'clock, टॉल लेट द बेस्ट एथलीट इन द हाई स्कूल, ही वॉज 17 बट ही सीम्ड ओल्डर, देयर वॉज अ काइंड ऑफ क्वाइट अश्योरेंस अबाउट हिम। अब वो अपने स्कूल के किसी लड़के के बारे में बता रही है, सिबिल बता रही है कि वो 3 बजे आता है, वो लंबा है, और इसके अलावा वो ग्रेसफुल है। लेट का मतलब होता है, नीचे लिखा भी हुआ है उसको पढ़ लेना, मतलब ग्रेसफुल है, ग्रेसफुल है यानी कि बहुत अच्छा सा है देखने में। ही इज़ द बेस्ट एथलीट इन हाई स्कूल, पूरे हाई स्कूल में वो सबसे अच्छा एथलीट है, जो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट करता है। ही वॉज 17, वो सिर्फ 17 साल का है, बट ही सीम्ड ओल्डर, वो दिखता है बड़ा अपनी उम्र से ज़्यादा। देयर वॉज काइंड ऑफ क्वाइट अश्योरेंस अबाउट हिम, उसको देख कर जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है, अश्योरेंस लगता है, बहुत कॉन्फिडेंस फील होता है। सिविल एक्सप्लेन इन अ ट्रेजिक टोन दैट दे वुड हैव अ पैसेंजर, लैरी स्माइल्ड, दैट्स ऑल राइट। तो ये बात सिबिल क्या बता रही है, सिबिल बता रही है, सिबिल ये बात क्यों बता रही है, वो लैरी को ये बात बता रही है कि हमारे साथ मतलब तो हो सकता है वो भी रहे, वो लड़का भी रहे। तो लैरी जो है, जिसका दोस्त लैरी है, वो कहता है, स्माइल करके कहता है, दैट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, दे वेंट डाउन द स्नो पाथ टू द स्ट्रीट। अब ये लोग क्या करते हैं, जो वहाँ बर्फ का जो रास्ता है उस रास्ते पर वो जो है नीचे जाते हैं। सिबिल होल्डिंग लैरीज हैंड, सिबिल जो है लैरी का हाथ पकड़ी हुई है। मैगी स्टम्बलिंग अलोंग बिहाइंड लाइक अ लॉस्ट पपी। स्टम्बलिंग का मतलब क्या होता है, स्टम्बलिंग का मतलब होता है ठोकर खाना, ये जो आप वर्ड लिखा ना स्टम्बलिंग, तो एक तरीके का इसका मतलब होता है ठोकर खाना। तो वो ठोकर खाते हुए इधर उधर पीछे ही है मैगी, मैगी को कोई पूछ नहीं रहा है। शी वॉज स्टम्बलिंग अलोंग बिहाइंड लाइक अ लॉस्ट पपी, जैसे डॉगी नहीं होते हैं खो जाते हैं छोटे पिल्ले तो इधर उधर घूमते रहते हैं, वैसे ही मैगी वैसे ही दिख रही है, क्योंकि उसको कोई पूछ नहीं रहा है। लैरी और सिबिल आगे आगे हैं और ये जो है पीछे पीछे चल रही है। सिबिल ओपन द रेयर डोर फॉर हर सिस्टर, रेयर का मतलब होता है पीछे वाला दरवाजा। तो एक तो होता है आगे बैठना और एक होता है गाड़ी में पीछे बैठना। तो जो अपने घर के लोग होते हैं, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो जनरली आगे बैठते हैं, है ना, और अगर आप किसी को लिफ्ट विफ्ट दोगे तो पीछे बैठ जाओ तुम, है ना। तो इसी तरीके से उसको इसका पीछे का दरवाजा खोलती है सिबिल और अपनी बहन को कहती है तुम पीछे बैठ जाओ। लैरी रेज्ड वन डार्क आईब्रो बट सेड नथिंग। तो लैरी जो है अपनी आईब्रो उठाकर गुस्से में देखता है उसको, सिबिल को, लेकिन कहता कुछ नहीं है, सोचता है क्या कहूँ, बहनों की बात है, कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो है ये सिबिल है और ये जो लड़का है ये है लैरी। ठीक है, और पीछे ये जो लड़की है ये मैगी है, जो पीछे 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 चल रही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दे ड्रोव टू द लेक नियर द बैंक्रॉफ्ट हाउस। तो वो जो है ड्राइव करके पहुंचे कहाँ पर, एक नदी के किनारे जो कि बैंक्रॉफ्ट के घर के पास है। लोग बैंक्रॉफ्ट के घर ही तो जा रहे थे ना, तो जिसको मम्मी ने कहा था कि उन्होंने बुलाया है मैगी को, है ना। तो बैंक्रॉफ्ट के घर के पास ये पहुंचे हैं ड्राइव करके। वहीं पास में एक लेक है, एक छोटा सा तालाब है। ठीक है, द लेक वॉज अ शीट ऑफ मैग्निफिशेंट ब्लैक आइस अंडर द ग्रे दिसंबर स्काई। तो दिसंबर का समय है और थोड़ा सा अंधेरा हो गया है, और वो अंधेरा, आसमान का अंधेरा नीचे के लेक पर जमी हुई बर्फ पे पड़ रहा है ना। तो वो जो बर्फ है जमी हुई वो भी ब्लैक कलर की नजर आ रही है, ब्लैक आइस लग रही है। ठीक है, ऑलरेडी 20 or 30 स्केटर्स वर सूपिंग एंड स्पिनिंग ओवर द पॉलिश सरफेस।
देयर क्राइज थिन एंड स्वीट इन द फ्रॉस्टी एयर। तो वहाँ पर नज़ारा इतना सुंदर है, नज़ारा वहाँ पर कैसा है कि बहुत सारे स्केटर्स हैं, जो स्केटिंग करने वाले लोग होते हैं उन्हें स्केटर्स कहा जाता है, बहुत सारे स्केटर्स हैं, दे आर सुपिंग। सुपिंग का मतलब होता है कि मूविंग डाउनवर्ड्स, सुपिंग का मतलब मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इसका मतलब होता है मूविंग डाउनवर्ड्स, यानी नीचे की ओर जा रहे हैं स्केटिंग करते हुए, डाउनवर्ड, सॉरी डाउनवर्ड्स, तो नीचे की ओर स्केटिंग करते जा रहे हैं, स्पिनिंग ओवर द पॉलिश सरफेस। स्पिन समझते हैं ना, ऐसे गोल गोल घूम रहे हैं, चारों ओर ग्रुप बना के गोल गोल घूम रहे हैं, नीचे उतर रहे हैं और स्केटिंग कर रहे हैं, और स्केटिंग करने में इनको इतना मजा आ रहा है कि वो जो है देवर क्राइंग ऑल्सो, मतलब क्राइंग मतलब रोना नहीं, चिल्लाना चीखना, अपनी स्वीट आवाज में चिल्ला चीख रहे हैं उस सर्दियों की शाम को। तो एक बहुत ही अच्छा माहौल है जो आपको यहाँ पर शो किया जा रहा है। लैरी लेज्ड सिबिल स्केट्स फॉर हर। तो लैरी क्या करता है, सिबिल के जो स्केटिंग शूज हैं जो पहन के स्केटिंग की जाती है उसके लेस बांध देता है, उसके जो लेस है उसको बांध देता है सिबिल के। ही ऑफर्ड टू लेज अ पेयर दैट मैगी हैड बीन गिवन फॉर क्रिसमस। और वो मैगी से भी कहता है कि तुम्हें भी तो क्रिसमस पे स्केट्स दिलाए गए थे, याद है, तुम चलो तुम भी अपने स्केट्स पहनो और चलते हैं हम लोग स्केटिंग करते हैं। बट शी रिफ्यूज, पर मैगी जो है रिफ्यूज कर देती है, यानी कि मना कर देती है। शी वुड जस्ट वॉच, और क्या कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, मैं सिर्फ देखूंगी, मुझे स्केटिंग नहीं करनी है, ठीक है। शी स्टूड स्मॉल एंड अलोन अलोन फीलिंग हर फिंगर्स एंड टोज ग्रो नंब। तो वो जो है वहीं पर खड़ी रहती है, छोटी सी है, अकेली है, और उसके जो फिंगर्स हैं, उसकी जो हाथ की उंगलियां हैं और पैर की उंगलियां हैं वो नंब हो गई हैं। नंब का मतलब होता है सुन्न हो जाना, जैसे एकदम जैसे सर्दियों में पैर वैर सुन्न नहीं हो जाते, वैसे इसके जो पैर हैं वो हो गए हैं सुन्न। द स्केटर्स सर्कल लाइक ब्राइट बर्ड्स। तो जो वहाँ स्केटिंग करने वाले स्केटर्स हैं उन्होंने एक गोला बना लिया है, ऐसा लग रहा है कि वो चिड़िया लोगों की तरह गोला बना के घूम रहे हैं। देयर रनर्स मेकिंग रिदमिक विरलिंग साउंड। तो जो उसमें जीत रहा है वो हु करके नहीं चिल्लाते हैं, तो वो चिल्ला रहा है खुशी में। वॉचिंग देम शी फेल्ट अ लॉन्गिंग दैट वॉज ऑलमोस्ट लाइक अ फिजिकल पेन। तो लॉन्गिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ है लॉन्गिंग, लॉन्गिंग का मतलब होता है डिजायर। तो ये सब देख कर उसको अंदर अंदर से ये लग रहा है कि डिजायर, उसको एक उम्मीद जग रही है कि काश मैं भी ये सब कर पाती, लेकिन उसको पता है कि उसको ये सब नहीं करना है और उसकी बहन भी गुस्सा हो जाएगी अगर वो ये सब करेगी तो, इसलिए ये चीज़ उसको और पेन दे रही है, दर्द दे रही है कि अरे यार मुझे करना है फिर भी मैं नहीं कर पा रही हूँ। अ लॉन्गिंग टू बी ग्रेसफुल एज दे वर एज ब्यूटिफुल एज फ्री। और उसके मन में कैसी भावनाएं उठ रही हैं, डिजायर्स कैसी उठ रही हैं कि वो जो है इनकी तरह सुंदर होना चाहती है, ग्रेसफुल होना चाहती है, प्रभावी होना चाहती है और इनकी तरह आज़ाद होना चाहती है, लेकिन इसका नेचर जो है बिल्कुल ऑपोजिट है, थोड़ा डरती है, थोड़ा शाय करती है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो चाहती है एकदम ऑपोजिट होना लेकिन हो नहीं पा रही है। लैरी मस्ट हैव बीन वॉचिंग फॉर हर। लैरी जो है कंटिन्यूसली उसको देख रहा है। फॉर सडनली ही केम ओवर, पर अब उससे रहा नहीं जाता तो वो आ जाता है। ही लुक डाउन एट हर, उसकी तरफ देखता है, एंड हाउ अबाउट गिविंग इट अ ट्राई, और पूछता है कि कैसा रहेगा अगर तुम भी इसे ट्राई करो। शी शुक हर हेड म्यूट एंड मिजरेबल। वो अपना सर हिलाती है, म्यूट का म्यूट मतलब तो आप समझते ही हैं, म्यूट मतलब होता है आवाज़ बंद होना, यानी कुछ बोलती नहीं है और थोड़ी सी घबराई हुई है और अपना सर हिला देती है कि नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर लैरी आया हुआ है और ये मैगी से बोल रहा है कि चलो एक ट्राई करते हैं, देखो पीछे सारे लोग स्केटिंग कर रहे हैं, तो क्या बोलता है, चलो क्यों ना एक बार ट्राई करके देखा जाए। अब ये जो है मिजरेबल है थोड़ी सी, कहती है कि नहीं, तो वो बोलता है व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ही परसिस्टेड इट्स फन, मतलब उसे रिक्वेस्ट कर रहा है, उसे फोर्स कर रहा है, कह रहा है मजा आएगा, क्यों नहीं चलना है, चलो। तो मैगी क्या बोलती है, आई एम नो गुड एट इट, मैं इसमें अच्छी नहीं हूँ। सो वॉट, ही साउंडेड सरप्राइज। तो लैरी पूछता है तो क्या हुआ, बड़ा सरप्राइज होकर पूछता है तो क्या हुआ, अच्छी नहीं हो तो क्या हुआ। शी स्टेयर्ड एट हर मिटेंड हैंड्स। वो क्या करती है, मैगी अपने हाथों को देखती है और उसने हाथों में ग्लव्स पहना हुआ है, मिटन हैंड, मिटन इज द सॉर्ट ऑफ ग्लव्स। तो अपने हाथों को देखती है और कहती है माय फादर सेज दैट एनीथिंग वर्थ डूइंग इज वर्थ डूइंग वेल। कहती है मेरे पापा ने हमेशा कहा है कि किसी भी चीज़ को करना तब अच्छा है जब जब आप उसे अच्छे से कर पाओ। अगर आप किसी चीज़ को अच्छे से कर ही नहीं पा रहे हो तो उसे करना ही नहीं चाहिए। जब वो ये बात बोलती है तो लैरी क्या जवाब देता है,
ही डिड नॉट से एनीथिंग फॉर अ मोमेंट। तो क्या कहता है लैरी? लैरी कहता है हाँ, उन्होंने ये बात कही होगी जिंदगी के लिए, लेकिन किसी वक्त को एंजॉय करने के लिए ये बात नहीं लागू होती है। देन ही नेल्ट। नेल्ट का मतलब होता है घुटनों के बल बैठ जाना, जैसे आप नील डाउन करके बैठते हो ना, उसी को कहते हैं नेल्ट। तो हम कह सकते हैं नील डाउन करके बैठ गया। अनलेस हिज स्केट्स, बैठ कर उसने अपने जो स्केट्स हैं उसके जो लेसेस हैं उसे खोल दिया। स्लिप ऑन हिज मॉस्किन्स, मॉस्किन्स इज अ शॉर्ट ऑफ शूज। तो वो क्या करता है, अपने स्केट्स खोल देता है और अपने शूज पहन लेता है। तो कहता है कम ऑन लेट्स गो, चलो ना चलते हैं। शी लुक द पैट हिम स्टार्टल्ड, गो गो वेयर। देखो लैरी बोलता है कम ऑन लेट्स गो, आ जाओ चलते हैं। तो वो उसकी तरफ देखती है ना, मतलब थोड़ा स्टार्टल्ड मतलब होता है शॉक्ड होके देखती है और कहती है कि गो गो वेयर, जाना है कहाँ जाना है। तो लैरी कहता है ओवर देयर बिहाइंड दैट पॉइंट ऑफ ट्रीज, वहाँ जहाँ पर वो पेड़ हैं। ब्रिंग योर स्केट्स, अपने स्केट्स लेके आओ। तो जब उसको इतना फोर्स कर रहा है तो ये क्या कहती है, ओ नो शी सेड आई कुडेंट। फिर बोलती है सिबिल, वो कहती है कि नहीं, अपनी बहन का नाम लेती है, कहती है नहीं, मैं नहीं जा सकती। फिर सिबिल का नाम लेती है अपनी बहन का। तो लैरी क्या बोलता है, नेवर माइंड सिबिल, सिबिल के बारे में मत सोचो। हिज हैंड वॉज अंडर हर एल्बो, वो उसके एल्बोज के पास में हाथ से पकड़ा हुआ है उसे। स्ट्रॉन्ग एंड इंसिस्टेंट, इंसिस्टेंट का मतलब होता है कि किसी को मना ना करने देना, वो किसी भी तरह से वही चाहता है कि मैगी जाए और मना ना कर पाए। इनक्रेडिबली शी वॉज वॉकिंग बिसाइड हिम थ्रू द सिल्वर डस्क। तो फिर भी अब इतना ज़्यादा वो फोर्स कर रहा है तो मैगी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रही है और उसके साथ जो है आगे चलती जा रही है। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसको सेकेंड वीडियो में भी कवर करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आई सी द व्यूज़, आई गो थ्रू द व्यूज़ कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं। अगर आप शेयर कर रहे होंगे तो उसका सेकेंड पार्ट भी लेकर आऊँगी मैं, और अगर नहीं तो फिर मेहनत बेकार है मेरी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हर एक बच्चे के पास तक ये वीडियो पहुँचाइए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप 5 लोगों को ये वीडियो ज़रूर भेजिए। और इसके बाद जो है, सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से सब्सक्राइब भी करवाइए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी चीज़ें लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल वी असिस्ट यू कपूर को यूट्यूब पे सर्च करिए। इस चैनल पर आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके आने वाले कई एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। हमें मोटिवेट करने के लिए चैनल पे पड़े हुए वीडियोस को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पर वीडियोस को शेयर करिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने इस रेड बटन को क्लिक करना होता है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो बेफिक्र होकर सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन ही आपको रिमाइंड कराता है कि कोई नई वीडियो पड़ गई है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।